टीचर है, क्या टीचर है ये, ये हमारा क्या मुखाम हो गया है, आप जरा गौर कीजिए। तुम्हारा वो है जो माँ का दूध पीते रहा और माँ को तखन पर से गिरा दिया, और हम तो जो है उनके बोलने की जरूरत है, और हम जगतदार में लड़े हैं, और हम इस बात से नहीं लड़े कि तुम जुल्म करते रहो, तुम बदमाशी करते रहो, तुम खतरे आम करते रहो। अरे जो ग्रुप या वो जो जमा वो लीडर आखिरी दिन तक तेलंगाना की मुखालफत का, जो बाकी है तेलंगाना था तुम उसको गोद में जो, और बाइक में वो जो जो भी काम छोटे करने वाले उन लोगों के लिए भी अपना कुछ ध्यान में रखते हुए तो उनके लिए भी कुछ करना होगा इंशाल्लाह। आप लोग सब कुछ लावा लेंगे, जो भी इश्यूज रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है या फिर वाटर और शहर रोड ट्रेन हेरिटेज या में जैसा उस्मानिया हॉस्पिटल का हेरिटेज बिल्डिंग की बात है या और कुछ भी है, ये इश्यूज के ऊपर हम आज के इजलास में बात करना है और जहां तक सकते हैं। ये चंद बातें हैं, इसके साथ ही मैं आज का जो प्रोग्राम का मकसद और उसका कॉन्सेप्ट है या नजरिया है उस सिलसिले में प्रोफेसर गौतम राम साहब सदर तेलंगाना जिला समिति आपसे मुखातिब करेंगे। मेरे पास ये प्रूफ है कि इन्होंने सेक्रेटरीट की मस्जिद जो तोड़े, बाबरी मस्जिद तोड़े, अभी एक ऑरेंज मस्जिद के लिए वो भी करने के उसमें इरादे में हो लोग, जो वहाँ पर प्रॉपर्टी पूरी बेच दी है लोग, वक्फ की लैंड है वो प्राइवेट लैंड है, वो पूरी वो कर दी है लोग, शराब खाना बना दिया उसको मस्जिद को। उसके बाद ग्रुप है मेरे पास, कल जाकर के आया हूँ मैं, ये केसीआर और कभी ने हरीश क्या नाम उसका के टी राम आ रहा हो तो इन लोगों की चाल ये है कि अपन लोग लड़ाना, एक दूसरे को दुश्मन बनाना, अपनी अपने दुकान चलाने की राय उन लोगों की, कभी लोग अपन लोग एक हो जाएंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, वो हिसाब से क्या अपन लोग एक हो गए तो उनकी दुकान बंद हो जाती है। और रही बात दूसरी, यहाँ पर जो है प्रोफेसर साहब और हमारे अफजल भाई की क्यादत में जो यहाँ पर जमा हुए थे, काफ़ी तजवीज़ रखे थे प्रोफेसर साहब ने, जो छः तजवीज़ रखे और हमारे अब्बास भाई भी कुछ तजवीज़ रखे, सना भाई भी कुछ रखे, मगर मेरी एक गुजारिश ये थी कि जो अभी हालात में जो सेक्रेटरीट की मस्जिद और मंदिर का जो मसला जो तो शहीद किया गया, तो मैं ये कहा कि ऑल पार्टी के तरफ से, क्योंकि हम जो है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में और हमारे सिटी लेवल में जो है कंप्लेंट्स तो दे रहे हैं, बट पुलिस वाले खाली रिसीव कर ले रहे हैं, अकलाने भी दे रहे हैं, मगर उस पर कोई FIR हो रही है। तो हम चाहते हैं कि सारे पार्टी के लोग जाके सत्यनारायण ऑफिस में मिले, और प्रोफेसर साहब ने कहा कि फैसला किया कि इंशाल्लाह हम जाएंगे बकरीद के एक दूसरे तीसरे दिन, जब भी हम सब एक जगह जमा होकर जाएंगे, आपको इत्तला दे दी जाएगी, हम इंशाल्लाह FIR कराने की कोशिश करेंगे। FIR कराने के लिए इसमें छोटी सी टेक्निक ये है कि केसीआर साहब ने खुद कहा था कि ये मलबा सेक्रेट की बिल्डिंग तोड़ते वक्त मस्जिद पर गिरने की वजह से टूट गया था, तो खैर टूट गया तो उनकी नीयत साफ थी तो दोबारा बना भी जाता था, मस्जिद पूरी शहीद तो नहीं हुई थी। अच्छा, वो एक मस्जिद शहीद हुई थी, इधर मंदिर पर क्या हुआ था और एक मस्जिद पर क्या हुआ था, तो देखिए आप बाबरी मस्जिद शहीद हुई, हाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वो जो भी है सब जने माना, मगर आज भी बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ था उस पर केस आज भी चल रहा, अडवाणी साहब वगैरह पे जो है फिलहाल आज भी चल रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर पर FIR करने क्यों नहीं दे रहे आप? तो हमारी ये अपील थी, और प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम लोग मिलके जाएंगे, तो इंशाल्लाह मिलके जाएंगे, और ईद के बाद इंशाल्लाह मिलके जाएंगे। वो चला क्या किस बात की, ये बकरीद आ रही है, जो सोशल डिस्टेंस जो नहीं हो रहा है, देखिए ये वबा जो है वो अपनी तरफ से नहीं है, ये ऊपर वाले की तरफ से आई है, तो हर किसी के दिल में अपने अपने किस्म के डाउट है, आप भी दूर से बात कर रहे हैं, उन्होंने भी लगा के बात कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं, किसी के जहन में अगर से बकरा लाया जाएगा तो खस्सा आ जाएगा, शायद वबा आ जाएंगी, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, मगर मेरी ये गुजारिश है कि कुर्बानी के दिन अल्लाह ताला को जो है सबसे ज़्यादा कुर्बानी पसंद है, आप जिस तरीके से सेफ होकर कुर्बानी कर सकते करिए, और अल्लाह ताला जो है आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। ये कहते हैं सरकार अपना जो भी रिलीफ फंड में पैसा आया उसका अकाउंट आवाम के सामने रखना चाहिए, और जो इसके साथ जो टैक्सेस है वो कम वो रोकना चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट का हो जो भी हो टैक्सेस रोकना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी बिल ये 3 महीने का रद्द करना चाहिए। ये हमारा डिमांड्स आज के मीटिंग में आए, ये डिमांड्स को हासिल करना अभी ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। ये माहौल में सब मिलकर
कोशिश की है बातचीत के जरिए हासिल करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। कोर्ट का ऑर्डर भी है लेकिन उसका अमल नहीं होता। तो ये सारी चीज हासिल करने के लिए हम सब लोग मिलकर एक प्रोग्राम, 5 तारीख का तो डेट था लेकिन उसको इधर उधर कोई चेंज भी बदल भी हो सकता है, एक अच्छा सा उससे पहले 4 तारीख को एक अच्छा सा अच्छा जलसा भी होगा इंटरनेट के जरिए, और उसके बाद हम सब लोगों का काला झंडा चढ़ाकर, काला बैलून छोड़कर हमारा प्रोटेस्ट सरकार को हमारा आवाज सुनाने के लिए हम करना चाहते हैं। ये आज का मकसद है। सब लोग मिलकर ये कोविड की माहौल में हमारा जिंदगी बचाने के लिए, हमारा जो भी इनकम है उसको बचाने के लिए जो कोशिश होना चाहिए, सब मिलकर लड़ने के लिए आज हमारा फैसला है। ये हम चाहते हैं, आवाम से हमारा रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है, आप सब लोग आइए, शामिल हो जाइए। आज जो आपकी पार्टी में ज्वाइन हुए सर, कौन कौन सी पार्टी के लोग यहाँ पर हिस्सा लिए? यहाँ पे हिस्सा लिए कांग्रेस से सब लोग। नाम कुछ अगर आपको तफसीली डिटेल है तो बताइए। नहीं नहीं, आप बता दीजिए, थोड़ा नाम बता दीजिए। अफजल भाई नाम बताइए। अफजल जी, कांग्रेस पार्टी से रियासती सदर माइनॉरिटी सेल जनाब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब है, और AIMIM इंकलाबी मिल्लत पार्टी से मौलाना हामिद हुसैन शुतारी साहब हैं, और तेलुगु देशम पार्टी से जनाब ताजुद्दीन साहब सदर रियासती माइनॉरिटी सेल हैं, और इसके साथ साथ CPI से मन्नान अभी तशरीफ लाए हैं मन्नान साहब, और आवाज़ रियासती सदर CPM से एफिलेटेड जनाब मोहम्मद अब्बास साहब ने आज मुखातिब किया। इसके अलावा तंजीमों से वाबस्ता, NGO से वाबस्ता SC ST माइनॉरिटी मुस्लिम फ्रंट के जनाब सनाउल्लाह खान साहब, और जनाब मुस्लिम शब्बान के नुमाइंदे, मुस्लिम तहरीक मुस्लिम शब्बान के जनाब एडवोकेट मोहम्मद शकील साहब के अलावा आम आदमी पार्टी के MM हुसैन साहब भी शिरकत की। 6 पार्टी और 2 अलग तंजीमों के लोग हैं।